गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है ऑक्सब्रिज इंटरमीडिएट इंग्लिश में। और साथ ही साथ हिंदी का जो मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ, उस वीडियो का नाम है अलंकार। अलंकार में अभी तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अलंकार क्या होता है, इसकी कितने भेद होते हैं। ये तीन भेद मैंने बतलाया था, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। लेकिन मुख्य रूप से उभय अलंकार के बारे में नहीं पढ़ना है, दो ही आपका अलंकार पढ़ना है जिसका नाम है शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज हम लोग पहला नंबर शब्द अलंकार के बारे में सीखते हैं कि शब्द अलंकार होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, करें कि शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये शब्द अलंकार जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा शब्द है समझिए, एक है आपका शब्द और दूसरा है आपका अलंकार। अलंकार कहने का अर्थ होता है, कल मैंने आपको बतलाया था, गहना या आभूषण या सुसज्जित करना, शोभा बढ़ाना। और यहाँ पर शब्द प्लस अलंकार, जो शब्दों की शोभा बढ़ाए। यहाँ पर दो शब्द है, शब्द और अलंकार। और शब्द अलंकार होता क्या है, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से, यानी कि देखिए यहाँ पर है, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से वाक्यों को अलंकृत करते हैं, यानी कि वाक्यों की शोभा बढ़ाते हैं, वह शब्द अलंकार कहलाते हैं। यानी कि जो अलंकार शब्दों के माध्यम से वाक्यों को शोभा बढ़ाएं, वाक्यों को अलंकृत करें, वह शब्द अलंकार कहलाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि शब्द अलंकार यह कितने प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं। जो शब्द अलंकार है दोस्तों, उसके तीन भेद होते हैं। पहला जो है आपका भेद, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और दूसरा श्लेष अलंकार है, और तीसरा जो है यहाँ पर यमक अलंकार दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है, और इसी चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। तो चलते हैं, समझते हैं दोस्तों शब्द अलंकार में जो अनुप्रास अलंकार है वह कहते किसे हैं। समझिए, अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अनु और प्रास। यहां दिया हुआ है, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, एक अनु है और दूसरा प्रास है। अब इन शब्दों का क्या अर्थ होता है, चलिए देखते हैं आगे। अनु और प्रास का क्या अर्थ होता है। अनु का अर्थ होता है दोस्तों, ये जो अनु है, अनु दिख रहा है, अनु का अर्थ है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। यानी कि वर्णों की बार बार इसमें पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति कहने का अर्थ होता है कि वर्ण जो है यह बार बार आएंगे, और एक ही वर्ण बार बार आते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं इसको, करेंगे वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। तो समझिएगा इसको, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ जो दिया हुआ है कि मुदित महीपति मंदिर आए, तो यहाँ पर देखिए मु जो दिया हुआ है, यानी कि म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, म प्लस उ यहाँ पर होगा, यह म प्लस उ, तो यह वाला जो शुरू वाला जो है उसमें उसको देखना है। इसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, स्वर वर्ग की आवृत्ति नहीं होती है। मु दिया हुआ है तो म और प्लस यहाँ पर यू, यह स्वर वर्ण नहीं आएगा। यहाँ पर म दिया हुआ है तो म प्लस यहां पर होता है, लेकिन देखिए यहां पर दोस्तों म की ही आवृत्ति हो रही है यहां पर। फिर यहां पर मंदिर है तो म प्लस अन होगा, लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि हर एक कंडीशन में
यहां पर म शब्द की ही आवृत्ति हो रही है, इसमें भी इसमें भी, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पद में, यहां पर देखते रहे हैं सेवक सुमंत, यहां पर स शब्दों की आवृत्ति हो रही है, यानी कि स जो है यहाँ पर बार बार आ रहा है, इसलिए इसमें दोस्तों जो दिया हुआ है यह आपका अनुप्रास अलंकार यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगले एग्जाम्पल समझिएगा, तरणी तनुजा तात तमाल तरुअर बहुछाए, यहाँ पर भी दोस्तों देखिए यहाँ पर त शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, सॉरी यहाँ पर त वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर त वर्ण जो है बार बार पुनरावृत्ति इसमें हो रही है, इसलिए यह आपका अनुप्रास अलंकार है। इसमें शब्दों की नहीं वर्णों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे आगे कह रहा है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर च वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ भी च है, यहाँ भी च है, तो यह आपका अनुप्रास अलंकार है। और इसको अच्छी तरह से आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं लास्ट एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर तुड़ुक धुड़ुक धुक जो दलेर मेहंदी का जो गाना है उसमें भी त वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें दोस्तों अनुप्रास अलंकार है। और इस तरह से हम लोगों ने ये शब्द अलंकार का एक भाग कंप्लीट कर लिया। फिर अगले वीडियो में अगले भाग लेकर आएंगे, तब तक ले दोस्तों धन्यवाद।